एक मिनट, सिर्फ वीडियो है, होता है। मेरे को कुछ नहीं तकलीफ, कमर बीमर दर्द नहीं है। मैं अभी 1.5 किलो दूध पी जाती हूँ, कच्चा भैंस दूध की। ये लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत पार्क आहे। तर आता आपण पार्क मध्ये एंट्री करूया, इंटर करूया। सकाळी मॉर्निंग वॉक साठी सगळे इकडे येतात, सो बघू शकता, खूप छान आहे। आपको आपके पास आ रही हूँ मैं। हे बगा फ्रेंड्स, एक मिनट, आप मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए आते हो क्या? यहाँ पे सुबह वॉक करने के लिए आते हो ना? आप पल्लू हटाइए, बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। कितने बजे आते हो आप? कितने बजे आते हो? 8 बजे, मॉर्निंग वॉक 8 बजे होता है। चलो कोई बात नहीं है, सुनिए ना, मैं क्या बोल रही हूँ। आपको क्या लगता है, मॉर्निंग वॉक करना सही है गलत है? मतलब कितना करना चाहिए, कि कभी आना चाहिए हमें घर से, कभी बाहर निकलना चाहिए? अरे हम के तो रोटी वोटी कुल बनाओ, खोला बेटा भैंस गाय खिलावे, खोला दुआ। तो फिर आप क्यों आते हो? अभी तो गार्डन में दिखाई दे रहे हैं मुझे। मैं तो गार्डन, वो देखो, वो देखिए, वो देखिए, उन्होंने तो शूज वगैरह सब मतलब पूरा रेडी होके आई है। वो आंटी जी पूरा रेडी होके आई है। तू काय करत होता, एक्सरसाइज करत होतास का? हाँ, किती वाजता आलेला एक्सरसाइजला? रोज मी 5-6 वाजता, आज थोडा छुट्टी आहे, 8 वाजता। अच्छा, हिंदी बोलायचं का? ओके, तुला काय वाटतं, आपको क्या लगता है कि एक्सरसाइज करना कितना इम्पॉर्टेंट है अभी के जनरेशन के लिए, आप क्या बताओगे? अभी तो सब लोग ऑनलाइन के इस पे पूरा सपोर्टेड हो गए थे, पर अभी धीरे कोरोना जा रहा है तो अपना एक्सरसाइज तो करना पड़ेगा। घर पे कर रहे हैं, कोरोना आया तो घर पे कर रहे, बट अभी कोरोना गया है तो आपको क्या लगता है, घर पे करना बेटर है कि बाहर वॉक करना बेटर है, रनिंग करना बेटर है? सुबह जब हम लोग दौड़ते हैं या कुछ भी वो सुबह का करते हैं तो उसका जो हम लोग को हवा सुबह का एयर लगता है तो उससे बॉडी फिट हो जाता है। जो शुद्ध हवा आती रहती है, प्योर ऑक्सीजन वाला अगर हमें एयर मिल जाएगा तो हमारे एक्सरसाइज में भी और थोड़ा बढ़ावा आएगा। आपके पास आ रही हूँ, कुछ नहीं, आपको क्या लगता है मतलब एक्सरसाइज करना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है? अरे बेटा हम लोग व्यायाम करने के लिए तो नहीं हो पाता, चलने डोलने को तो थोड़ा उधर हाथ है, वहाँ पे एक्सरसाइज करते हो? अच्छा, मगर एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है आपको? हाथ पैर तो चलाना ही नहीं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ। अभी अभी हमारे हाल ऐसे चल रहे, पहले ऐसे नहीं थे, क्योंकि अभी मिक्सर आए, वॉशिंग मशीन आए, फ्रिज आए, और जो हम क्या बोलते हैं उसको, जहाँ जिस पर हम मसाला पीसते, मिक्सर मसाला वाला, हाँ, जो पत्थर का रहता है वो, पत्थर का तो नहीं, पत्थर पहले का बात कर रही हूँ, तो वो सब, और फिर कुएं में से पानी निकालना, ये सब हमारे मतलब पहले औरतों का एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली घर पे होता था, बट अभी क्या मशीन आई है, चलो उठाओ कपड़े डालो मशीन में, निकालो कपड़े, सूख गए कपड़े, राइट, मिक्सर आया है, शरीर को कोई 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 मतलब प्रेशर नहीं है, कोई मेहनत का काम नहीं करने पड़ रहा, इसीलिए हमें मतलब अभी ये हो रहा है, मतलब अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है, बैक एक हो रहा है, कमर का पेन है, जैसे घुटने का दर्द है। कितने बजे आए थे? 7 बजे। सिर्फ वॉक करते हो कि क्या करते हो आप? थोड़ा वो भी करती हूँ, थोड़ा बैठ के उधर योगा भी करती हूँ। योगा का आपसे बात किया, इन्होंने नहीं कुछ बताया हमें, चलेगा कोई बात नहीं। मेरे पास गाय भैंस तबेले खेती बहुत कुछ है। वेरी गुड, आपने मुझे तो लग रहा है आप फिट हो, मतलब आप मतलब फिट भी दिख रहे हो, और आप अच्छा आप गांव से आए हो? गांव जाने वाले। कौन सा गांव आपका? जौनपुर जिला है। जिला ये जौनपुर का, राजस्थान? बनारस के हो आप? अमिताभ बच्चन के गांव के हो आप? हाँ, बापरे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। सही बता रही हूँ, 5 बेटा 3 बेटी। बर हाँ, ट्रेन आहे जी छोट्या मुलांसाठी आहे, बघा मी कॅमेरा वरती करून दाखवते, खूप छान आहे। शुलू एक्सरसाइज साठी आले का? एक्सरसाइज साठी आले? तिकडे बघा, तुम्ही बघू शकता, हा ब्रिज आहे, लाकडी खूप असं डेकोरेट करून बनवलेला आहे, आणि ते हरिण पण बघा किती असं वाटतं की खरंच ओरिजिनलच हरिण आहे। हाय हाय, छान आहे इकडे, इथून हाय, गुड मॉर्निंग। मास्क काढून एक्सरसाइज करा, त्रास होईल तुम्हाला जास्त, कारण दम लागतो ना, अजून अधिक जास्त दम लागतो ना त्यामुळे। मी तुम्हाला काही प्रश्न विचारू, किती वाजता येतो तुम्ही एक्सरसाइज करायला इकडे?
सव्वाट आणि सव्वाट ते किती करता तुम्ही? नऊ. सव्वाट ते नऊ म्हणजे पाऊण तास. म्हणजे तुम्हाला डॉक्टरांनी सांगितलं एक्सरसाइज करायची की तुम्ही स्वतःहून करताय? डेली येता आणि म्हणजे राऊंड मारता असं थोडंसं पळता वगैरे? व्हेरी गुड. म्हणजे हे तुमची स्वतःची कल्पना आहे की तुम्हाला खरंच एक्सरसाइज करणं गरजेचं वाटतंय? का गरजेचं वाटतंय पण तुम्हाला एक्सरसाइज करणं? अच्छा, म्हणजे पोटाचं फॅट, टमी फॅट कमी करण्यासाठी तुम्ही एक्सरसाइज करता. आणि अजून दुसरं काही कारण? पण तुम्हाला एक्सरसाइज केल्यानंतर कशी झोप येते? छान झोप येते, प्रसन्न वाटतं. आणि तुम्हाला माहिती आहे जेव्हा तुम्ही एक्सरसाइज करता, तुम्ही नोटीस करा एक गोष्ट, जेव्हा पण तुम्ही एक्सरसाइज करता घरी जाऊन तोंड धुवून बघा, तुमचा चेहरा ना पूर्ण शाईन देतो, म्हणजे चमकतो, फ्रेश आणि ताजा आणि टवटवीत दिसतो. हे एक्सरसाइजचे खूप मोठे फायदे आहेत आणि त्याच्यातून तुमचे जे अवयवांची जी हालचाल होते ती पण जास्त प्रमाणात होते आणि ते सतत ॲक्टिव्ह राहतात. सो गाईज, गार्डन आता संपलेलं आहे. चला, आपल्याला आपल्या मला बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरं मिळालेली आहेत, तर आता मी निरोप घेते गार्डनचा आणि आता घरी जायचं आहे. भूक लागलेली आहे, नाश्ता करायचा आहे. आता काय नाश्ता करूया विचार करते. पोहे नको, सुगाईत. परत आपण त्या सगळ्या आंटींकडे आलेलो आहोत. ह्या बघा, हाय करू, हाय. ज्यांनी मला छान उत्तर दिलं, खूप बोलल्या माझ्याशी, थँक्यू सो मच. अभी आईये, थँक्यू थँक्यू थँक्यू. हाय बोल, हाय हाय बेटी, के मन खुश हो जाय. हाय हो गया ना, थँक्यू.